नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। द्वितीय चरण के चुनाव का परिणाम आ गया है, जिसमें आज ग्राम पंचायत दिग्धा के ग्रामीणों के लोगों ने अपने मत का सही उपयोग करते हुए एक महिला प्रत्याशी को सरपंच पद के लिए चुना, जिनका नाम श्रीमती समोलाबाई कंगाले पति तुलसीराम, जिन्होंने 244 मतों से आगे रहकर विजय हासिल की, जिनका चुनाव चिन्ह चश्मा निशान था। वहीं 2 जून को गांव में विजय जुलूस निकालकर नवनिर्वाचन सरपंच ने हर घर घर जाकर सभी के प्रति आभार जताया और लोगों को भरोसा दिया कि वो सरपंच पद के लिए किए गए विश्वास पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। गांव की हर प्रकार की समस्या का निराकरण करने का भी प्रयास करूंगा और एक बार फिर मैं सभी बड़े बुजुर्ग से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं और इन्हें धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना। आशीष मंडलेकर, पंचायती राज से। आपको भाई तुलसीराम कंगाले, हम पानी के लिए व्यवस्था करेंगे और बिजली के लिए भी व्यवस्था करेंगे। बिजली के लिए व्यवस्था करेंगे। आप कितने वोटों से जीत के आई है? 244। अच्छा, और एक चीज पूछना चाहता था, जो ग्राम पंचायत में योजना आती है इसके बारे में आप बताइए। पूरे गांव के नागरिकों को पहुंचाएंगे। अच्छा, गांव के लिए आप क्या संदेश देना चाहती है गांव की जनता के लिए? हम सब ये करेंगे, धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे हम सब गांव के लिए, धन्यवाद देंगे। ठीक है, थैंक यू।